मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी स्टार्ट अ न्यू चैप्टर एनिमल अराउंड अस। तो हमें इस चैप्टर में जो हमारे आसपास जानवर होते हैं उनके बारे में पढ़ना है। सो इन दिस चैप्टर वी हैव टू रीड अबाउट टाइप्स ऑफ एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स, इंसेक्ट, एनिमल लिविंग बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड, डोमेस्टिक एनिमल्स, बर्ड्स एंड वाटर एनिमल्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑल अराउंड द वर्ल्ड। तो हमारे आसपास बहुत तरह के जानवर हैं जो पूरी दुनिया में रहते हैं। सम ऑफ देम आर बिग, कुछ उनमें से बड़े होते हैं। सम आर स्मॉल, कुछ छोटे। सम लिव ऑन लैंड, कुछ जमीन पे रहते हैं। सम लिव इन वाटर, कुछ पानी में रहते हैं। एंड सम फ्लाई इन द स्काई, और कुछ हवा में उड़ते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट फीचर्स एंड प्लेस ऑफ लिविंग एनिमल्स कैन बी क्लासिफाइड इन टू डिफरेंट टाइप्स। तो उनके रहने के आधार पर और उनकी विशेषताओं के आधार पर उन्हें डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सो टाइप्स ऑफ एनिमल, डोमेस्टिक एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट, वाटर एनिमल्स, एनिमल लिविंग बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड। सो फर्स्ट टॉपिक इज डोमेस्टिक एनिमल्स। द एनिमल विच वी कीप इन अवर होम्स और फार्म्स एंड आर यूजफुल टू अस आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स। तो जो जानवर हम अपने घरों में या अपने फार्म्स में रखते हैं और जो हमारे लिए उपयोगी होते हैं आर नोन एज डोमेस्टिक एनिमल्स। उन्हें हम डोमेस्टिक एनिमल्स कहते हैं या घरेलू पशु कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, काउ, ऑक्स, कैमल, डंकी, शीप एक्सेट्रा। जैसे कि गाय, बैल, ऊंट, गधा, भेड़ आदि। डोमेस्टिक एनिमल्स हेल्प अस इन द फॉलोइंग वेज। डोमेस्टिक एनिमल हमारी निम्न तरीकों से मदद करते हैं। वी गेट मिल्क, एग एंड मीट फ्रॉम देम। हम उनसे दूध, अंडे और मांस प्राप्त करते हैं। वी गेट वूल फ्रॉम देम फॉर मेकिंग वूल एंड क्लॉथ। हम उनसे ऊन प्राप्त करते हैं जिससे हम ऊनी कपड़े बनाते हैं। दे हेल्प फार्मर्स टू प्लग फील्ड। वो किसानों की मदद करते हैं खेत को जोतने के लिए। दे हेल्प इन कैरिंग गुड्स। वो मदद करते हैं कैरी करने में गुड्स को एंड पीपल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए वो मदद करते हैं इंसानों को और सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं। बट देयर आर सम एनिमल्स विच वी कीप इन अवर होम्स ओनली आउट ऑफ लव। लेकिन कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिन्हें हम अपने घर में रखते हैं केवल प्यार करने की वजह से। दे आर कॉल्ड पेट्स। उन्हें हम कहते हैं पेट्स यानी पालतू पशु। फॉर एग्जाम्पल, डॉग, कैट, फिश एक्सेट्रा। जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, मछली आदि। पेट्स लाइक डॉग प्रोटेक्ट अस फ्रॉम थीव्स। पशु जैसे कि कुत्ता प्रोटेक्ट अस, हमें बचाता है थीव से, हमारी रक्षा करता है किससे, थीव से। वी एंजॉय वॉचिंग पेट्स लाइक फिश। हम पसंद करते हैं देखना पेट जैसे कि मछली, हम मछलियों को देखना पसंद करते हैं। वी मस्ट टेक केयर, गुड केयर ऑफ देम। हमें उनकी खूब अच्छे से देखभाल करनी चाहिए, उनका बहुत ध्यान रखना चाहिए। सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज वाइल्ड एनिमल्स। द एनिमल्स विच लिव इन फॉरेस्ट आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स। जो जानवर जंगलों में रहते हैं वो उन्हें हम वाइल्ड एनिमल कहते हैं या जंगली पशु कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एलिफेंट, लॉयन, टाइगर, चीता, डियर, जिराफ, बियर एक्सेट्रा। जैसे कि हाथी, बाघ, शेर, चीता, भालू, हिरण, जिराफ, भालू आदि। वी कैन सी देम इन द जू ऑल्सो। हम इन्हें जू में भी यानी चिड़ियाघर में भी देख सकते हैं। सो हियर आर गिवन सम फन फैक्ट्स लाइक एलिफेंट इज द लार्जेस्ट एंड जिराफ इज द टॉलेस्ट लैंड एनिमल। हाथी जो है वो सबसे बड़ा और जिराफ सबसे लंबा लैंड एनिमल है, यानी कि जमीन पर रहने वाला पशु है। जिराफ कैन क्लियर इट्स ईयर विद इट्स टंग। जो जिराफ होता है वो अपनी जीभ से अपने कान को साफ कर सकता है। बर्ड्स, देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ बर्ड्स ऑल अराउंड। हमारे आसपास विभिन्न प्रकार की चिड़िया रहती हैं। दे हैव विंग्स टू फ्लाई, फेदर्स टू कवर देयर बॉडी एंड बीक टू ईट फूड। उनके पास पंख होते हैं उड़ने के लिए, फेदर होते हैं जो उनको बॉडीज को कवर करते हैं, उनके जो पंख होते हैं वो उनकी बॉडी को कवर करते हैं। बीक टू ईट फूड, और जो उनकी चोंच होती है वो उनके लिए खाना खाने के लिए होती है।
सम बर्ड्स कैन फ्लाई बाई सम कैन नॉट, कुछ चिड़िया उड़ सकती हैं और कुछ नहीं उड़ सकती. फॉर एग्जाम्पल स्पैरो एंड क्रो कैन फ्लाई बट ऑस्ट्रिच एंड पेंगुइन कैन नॉट. जैसे कि स्पैरो और क्रो यानी कि कौवा उड़ सकते हैं और ऑस्ट्रिच और पेंगुइन नहीं उड़ सकते हैं, और शुतुरमुर्ग और पेंगुइन नहीं उड़ सकते हैं. ऑल बर्ड्स ले एग एंड हैच देम, और सारी चिड़िया अंडे देती हैं और उनको हैच करती हैं यानी सेती हैं. सो देयर आर सम फन फैक्ट. ऑस्ट्रिच इज द फास्टेस्ट रनिंग बर्ड. ऑस्ट्रिच जो है वो सबसे तेज भागने वाली चिड़िया है. सम बर्ड्स लाइक डक एंड स्वान कैन स्विम. कुछ चिड़िया जैसे कि बतख और हंस तैर सकते हैं. सो नेक्स्ट टॉपिक इज इंसेक्ट. इंसेक्ट आर स्मॉल एनिमल्स. इंसेक्ट छोटे पशु होते हैं. ऑल इंसेक्ट्स हैव सिक्स लेग. प्रत्येक इंसेक्ट के यानी सारे इंसेक्ट के सिक्स पैर होते हैं यानी कि छह पैर होते हैं. सम इंसेक्ट्स हैव विंग्स एंड कैन फ्लाई व्हाइल सम इंसेक्ट्स कैन नॉट फ्लाई. कुछ जो इंसेक्ट होते हैं उनके विंग होते हैं और वो उड़ सकते हैं, जबकि कुछ इंसेक्ट होते हैं जो कि उड़ नहीं सकते. कॉकरोच फ्लाई एंड बी बटरफ्लाई एंड मॉस्किटोज आर सम इंसेक्ट. कॉकरोच मक्खी चींटी मधुमक्खी तितली और मच्छर कुछ इंसेक्ट हैं. तो द फैक्ट इज द लाइफ ऑफ अ हाउस फ्लाई इज ओनली 24 डेज. जो मक्खी होती है उसका जीवन सिर्फ 24 दिन का होता है यानी सिर्फ वो 24 डेज ही जिंदा रहती है. सो नेक्स्ट टॉपिक इज वाटर एनिमल्स. सम एनिमल्स कैन नॉट लिव ऑन लैंड. कुछ एनिमल्स जमीन पर नहीं रहते हैं. दे लिव इन पॉन्ड्स रिवर्स सीज एक्सेट्रा. वो तालाब नदी और समुद्र में रहते हैं. दे आर कॉल्ड वाटर एनिमल्स. उन्हें हम कहते हैं वाटर एनिमल्स यानी पानी में रहने वाले जीव. फॉर एग्जाम्पल व्हेल ऑक्टोपस फिश शार्क स्टारफिश एक्सेट्रा. जैसे कि व्हेल ऑक्टोपस फिश मछली शार्क स्टारफिश एक्सेट्रा आदि. वाटर एनिमल्स आर ऑल्सो कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल्स. वाटर एनिमल्स को हम लोग एक्वेटिक एनिमल्स भी कह सकते हैं. सो द फैक्ट इज ब्लू व्हेल इज द लार्जेस्ट एनिमल ऑन द अर्थ. जो ब्लू व्हेल होती है वो पूरी धरती की सबसे बड़ी जानवर है. एनिमल्स लिविंग बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड. सम एनिमल्स कैन लिव बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड. कुछ एनिमल्स जमीन पे भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग क्रोकोडाइल क्रैब. जैसे कि मेंढक मगरमच्छ और केकड़ा. दे कैन मूव ऑन लैंड एज वेल एज स्विम इन वाटर. वो जमीन पे भी चल सकते हैं और पानी में भी तैर सकते हैं. दीज एनिमल्स आर नोन एज एम्फीबियंस. उन जानवर को हम लोग कहते हैं एम्फीबियंस. सो दैट्स ऑल योर चैप्टर. अब हमें एक्सरसाइज करनी है. सो इस चैप्टर में हम इस एक्सरसाइज में हमें टिक करना है टिक द करेक्ट ऑप्शन. हमें लेसन जो पढ़ा है उसे इसके अकॉर्डिंग इसमें करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है. उसके बाद इसमें स्टेटमेंट दी गई है. हमें इनमें से जो रॉन्ग स्टेटमेंट्स है उनमें रॉन्ग का मार्क और जो करेक्ट स्टेटमेंट है उसमें करेक्ट का मार्क लगाना है. फिर उसके बाद हम लोग के यहाँ पे फिल द ब्लैंक्स हैं जिसमें हम लोग को ऑप्शन देंगे और उसे हमें करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे फिल करना है. एंड देन हमें टू टू एग्जाम्पल देना है. एनिमल्स दैट लिव इन फॉरेस्ट उन जानवरों के जो जंगल में रहते हैं. एनिमल्स दैट लिव इन वाटर उन जानवरों के एग्जाम्पल देना है जो वाटर में रहते हैं यानी पानी में रहते हैं. एनिमल्स दैट कैन फ्लाई इंसेक्ट्स दैट कैन फ्लाई उन कीड़ों का नाम लिखना है जो उड़ सकते हैं. बर्ड्स दैट कैन नॉट फ्लाई और उन चिड़ियों के नाम लिखने हैं जो उड़ नहीं सकती. फिर उसके बाद हमें मैच करना है कि ये कौन से एनिमल्स हैं. दैट्स इट. थैंक यू क्लास.